छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एक आदेश पारित किया गया है कि बलरामपुर जिले के चलगली को नवीन तहसील घोषित किया जाए, जिसको लेकर कुछ ग्राम के लोगों द्वारा और सरपंचों द्वारा बहुत ही नाराजगी और आक्रोश शासन प्रशासन के सामने प्रकट किया है। लोग इसलिए नाराज हैं और आक्रोश में हैं क्योंकि उनका आरोप है कि शासन और प्रशासन द्वारा नवीन तहसील बनाने में क्षेत्रफल और किलोमीटर को ध्यान में नहीं रखा गया है, क्योंकि जिन गांव के लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है वह गांव से नवीन तहसील जलगली मौजूदा तहसील से बहुत दूर है और कोई आवागमन बस का साधन भी नहीं है। सड़क भी बहुत खराब है, जंगल झाड़ का इलाका है। लोगों द्वारा कहना है कि अभी वर्तमान में मौजूदा तहसील वाड्रफ नगर हमारे गांव से नजदीक है। जिन ग्रामों को पृथक कर नवीन तहसील में शामिल किया जा रहा है वह ग्राम इस प्रकार है: बर्ती कला, सिवरी, परसडीह, इंजनी, भगवानपुर, सुरसा, बर्ती खुर्द, पंसारा, बूढ़ा टांड, ढोडी। इन सब ग्रामों के सरपंच पंच और लोगों द्वारा यह मांग है कि उन्हें यथावत मौजूदा वाड्रफ नगर तहसील में ही रखा जाए, क्योंकि यहां अनुविभागीय एसडीएम कार्यालय, जनपद कार्यालय, कृषि विभाग, बिजली विभाग, कोर्ट न्यायालय और अस्पताल से लेकर तमाम कार्यालय यही हैं, तो उनको केवल एक तहसील कार्यालय के लिए अपने गांव से विपरीत दिशा बहुत दूर जाना होगा, जो कि लोगों के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है। इसके पूर्व भी संबंधित ग्रामों के सरपंचों द्वारा लिखित प्रस्ताव द्वारा कलेक्टर बलरामपुर और अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम सूचना दिया था कि उन्हें मौजूदा वाड्रफ नगर तहसील में ही यथावत रखा जाए। लोगों का यह आरोप है कि इनकी आवेदन व निवेदन को ताक में रखकर शासन के नवीन आदेश में नवीन तहसील में शामिल कर दिया गया है, जो कि आम जनता को यह मान्य नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम को ज्ञापन देकर यह मांग किया गया है कि यदि उनको वर्तमान वाड्रफ नगर तहसील में ही यथावत नहीं रखेंगे तो बनारस मार्ग में मोरंग चौक पर आगामी 30 दिसंबर शुक्रवार को अनिश्चितकालीन चक्का जाम लोगों द्वारा किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आज यहाँ पे हम लोग बर्ती कला पानी टंकी में उपस्थित हुए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य कोई राजनीतिक विचारधारा से हम लोगों का नहीं है। आज हम लोग अपने ग्राम पंचायत स्तर का जो बात है उस बात को रखने के लिए यहाँ पे सभी कोई बैठे हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई राजनीतिक दल का बात नहीं, जिसमें कोई भी बैठ सकता है, कोई भी चीज़ को सुन सकता है, क्योंकि सबके भविष्य का बात है। जैसा कि हम लोगों को पहले से भी विदित है कि हम लोगों का बर्ती, सिवरी, परसडीहा, जमई, बर्ती खुर्द, पंसारा, ढोली, जलासपुर, ये सब जो सारे क्षेत्र हैं, ये पहले हम लोग का वाड्रफ नगर क्षेत्र में तहसील कार्यालय हुआ करता था और आज हम लोग इसका विरोध करते रहे, लेकिन उसके बाद भी चलगली में हम लोगों का उप तहसील बना दिया गया, जिसका आदेश रात को सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में सभी के पास पहुँचा होगा, जिसको आप लोग देखे होंगे। तो इस विषय को रखने के लिए हम लोग यहाँ पे बात ये हुई कि अगर आज हम लोग इस विषय को गंभीरता से नहीं लेंगे तो कल के दिन हम लोग को वही जंगल राज वाला फिर से राज देखना पड़ेगा, जो कि यहाँ से हम लोग जंगल गुजर के बड़का गांव होते चलगली हम लोग को जाना पड़ेगा, जो कि हम लोग के ग्राम से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी और मोरन से 35 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। तो हम लोग का मोरन लास्ट एरिया पड़ता है वहाँ का, तो हम लोग जहाँ हम लोग को 10 किलोमीटर का दूरी है और सारे सुविधा वहाँ उपलब्ध हैं, जैसे हॉस्पिटल का सुविधा वहाँ उपलब्ध है, हमारा चौकी भी वाड्रफ नगर है, हम लोगों का एसडीएम कार्यालय भी वहाँ है, जनपद कार्यालय भी वहाँ है, बैंकों का सुविधा भी वहाँ है, यानी सारे प्रकार की सुविधाएं हमको वाड्रफ नगर में उपलब्ध हैं, और सिर्फ हम एक तहसील का काम करवाने के लिए हम वहाँ जाएंगे दर दर का ठोकर खाने के लिए। तो हम लोगों ने यह सोचा है, विचार किया है कि इस विषय को सभी को जो यहाँ पे आप लोग आम जनता, गणमान्य नागरिक, सभी को हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, एक एक करके अपना राय रखेंगे कि उसको कैसे किया जाए। लास्ट में जो निष्कर्ष निकलेगा, या तो जो चक्का जाम का निष्कर्ष निकले, या तो हाई कोर्ट में स्टे का निष्कर्ष निकले, इन सारे बातों को एक एक करके अपना अपना राय सलाह देंगे। बीच में कोई नहीं बोलेगा, किसी का राय जब खत्म हो जाएगा तो कोई दूसरा व्यक्ति बोलेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, और ये मान के चलिए किसी प्रकार का राजनीतिक काम नहीं हो रहा है, इसमें कोई अपना वाला बात नहीं होना चाहिए। जो बात है वो क्लियर बात होना चाहिए, ऑन स्पॉट की भाई जो भी बात हो रहा है सभी के हित के लिए बात हो रहा है। तो आप लोग वो यथावत वाटर फंकर में रहे, नथिंग पहले भी नाम नहीं तो से को किया। तहसील कहा जाए, नया तहसील चलगली जो यहाँ से गया है, आज कुछ क्षेत्र के लोग, कहा जाए 5-6 पंचायत के लोगों ने आज आकर के
क्या यहाँ पर मनगणना किए हैं, थोड़ा संक्षेप में जानकारी दें। देखिए आज हम लोग यहाँ पे बर्ती कला प्रस्टिहा सिवरी बर्ती खुर्द पंसारा कैलाशपुर इंजानी समस्त ग्राम के लोगों के द्वारा सरपंचों के द्वारा यहाँ पे बैठक रखा गया है। और इस बैठक में यह हम लोगों ने सर्वसहमति से बात रखा है कि आने वाले दिन में एक आध दो दिन के अंदर हम लोग मोरन चौक पर उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम लोग कलेक्टर साहब को SDM साहब को सारे जगह को यहाँ के जो तत्कालीन मंत्री प्रेम साय हैं उनके तक आवेदन पहुंचा था कि माननीय महोदय जी जो बर्ती कला प्रसडीहा बर्ती सिवरी आदि ग्राम जो हैं कैलाशपुर पंसारा इंजानी सभी ग्रामों को इन ग्रामों को छोड़कर चलगली में तहसील बनाया जाए। हम चलगली तहसील बन रहा है उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो हमारे ग्राम हैं उन ग्रामों को उससे पृथक रखा जाए। हम जो यथावत वाड्रफ नगर में थे उनको यथावत ही वाड्रफ नगर में रखा जाए और हम लोगों को वाड्रफ नगर से अलग न किया जाए। इस मांग को लेकर हम लोग चक्का जाम भी करेंगे और हर घर से एक महिला और एक पुरुष हम लोग जाएंगे और करीब 5,000 के तादाद में हम लोग मोरन चौक में उग्र आंदोलन करेंगे। उसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगी। पंचायत सिवरी जी, यहाँ पर जो तहसील को लेकर के जो यहाँ पर योजना बना है किस प्रकार का से बनाए हैं, आप तो थोड़ा जानकारी दें। हम लोग तहसील वार्डन नंबर था तो हम लोग नहीं चाहते हैं जैसे कि प्रसडीहा सिवरी और बर्ती कोर्ट ऐसा पंचायत है कि हम लोग और कलेक्टर को भी आवेदन दिए थे कि हम लोग का तहसील यथावत रहे वार्डन नगर में, लेकिन इस बात और मुख्यमंत्री प्रेम साय को भी दिए थे आवेदन और हम लोग का तहसील वार्डन नगर ही होना चाहिए। यदि नहीं होता है तो हम लोग चक्का जाम करेंगे, हर घर से एक महिला और पुरुष बच्चे भी निकलेंगे।